हाय गाइस, दिस इज निकिता। और जरा इन दोनों देशों के टेक्स्ट बुक्स देखिए। ये है इंग्लैंड का हिस्ट्री बुक जिसमें ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री है, और ये है पाकिस्तान के स्कूल की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। लेकिन अब जरा हमारे स्कूल के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक को देखो। मुझे लगता है भारत वो पहला देश होगा जो अपने पड़ोसी और इन्वेडर्स का इतिहास सालों से पढ़ता जा रहा है। बट थैंकफुली विथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी कुछ सालों में इम्प्लीमेंट होने वाला है, उससे हम फाइनली अपने देश का इतिहास पढ़ने वाले। जुलाई 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जो 34 साल पुराने एजुकेशन सिस्टम को रिप्लेस करने वाली है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट के हिसाब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2025 तक फाइनली फंक्शनल हो जाए। उन्होंने NEP का महत्व बताते हुए ये कहा कि हमारे देश का इतिहास सिर्फ हार या गुलामी का इतिहास नहीं है, बल्कि जय, पराक्रम और योद्धाओं का इतिहास रहा। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। एंड इफ यू लुक एट इट, ये सही भी है। आज तक हमें या तो फिर आधी अधूरी हिस्ट्री बताई गई है या फिर बताई ही नहीं गई है। एक ऐसा ही हिस्ट्री का पार्ट ले लो। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के किनारे ग्रीक इन्वेडर्स सेलूकस को बुरी तरह से हराया था। ये पार्ट कोई भी हिस्ट्री बुक में मेंशन भी होगा तो एकदम जनरलाइज तरीके से। एंड आपको पता होगा कि हमें अक्सर दूसरे राजाओं के बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉर टैक्टिक्स के बारे में बताया जाता था, लेकिन क्या हमें कभी कोई इंडियन राजाओं के वॉर टैक्टिक्स के बारे में बताया गया? तो देखो, इस लड़ाई से कुछ साल पहले हुई लड़ाई में राजा पोरस के हाथियों ने ग्रीक सेना के फायर एरोस से परेशान होकर अपनी ही आर्मी को कुचल दिया था। लेकिन इस हार से लेसन लेते हुए मौर्यन सेनाओं ने अपने हाथियों को मेटल के जैकेट्स पहना दिए थे। एंड अगर देखा जाए तो यही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन अगर हम इंडियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को देखें तो हमें पोरस की हार की कहानी तो बार बार पढ़ाई गई है, पर चंद्रगुप्त के इस ग्लोरिफाइड विक्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। इनफैक्ट सेलूकस ने अपनी हार की बहुत बड़ी कीमत चुकाते हुए अफगानिस्तान तक की जमीन भारतीयों को दे दी थी, और अपने हार के वजह से उसे अपनी बेटी की भी शादी चंद्रगुप्ता से करवानी पड़ी थी। सो कुछ इस तरह एक भारतीय सम्राट ने विदेशियों को हरा कर भगा कर पूरे देश को यूनाइट किया था। हमारे ग्रेट विक्ट्रीज में से एक और एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लड़ा गया अहोम मुगल वॉर। इसके बारे में आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में अभी देख ही लिया होगा, लेकिन क्या आप लचित बोरफुकन के गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स को जानते थे? सो 1671 में 40,000 वेल इक्विप्ड मुगल सोल्जर्स के सामने सिर्फ 10,000 के असमी सोल्जर्स थे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि 17 बार अटैक करने के बावजूद भी मुगल्स अहोम्स को हरा नहीं सके। लचित बोरफुकन जो अहोम आर्मी के एक सेनापति थे, उनके कुछ गुरिल्ला टैक्टिक्स में से एक था खुद को हायर ग्राउंड पर रखना और नदी में डैम्स बनाकर मुगल आर्मी को फ्रीली मूव होने से रोक देना। इसके अलावा अहोम सोल्जर्स की स्मॉल बोट यूनिट्स मुगल कैंप्स पर अटैक कर देती थी, और जब तक मुगल आर्मी रिटेलिएशन के लिए रेडी होती, ये अपने छोटी छोटी बोट्स में बैठकर नदी में गायब हो जाते थे। एक और एक इंटरेस्टिंग वॉर टैक्टिक अहोम्स का ये था कि वो लोग कई बार मुगल सोल्जर्स के कैंप्स में बहुत सारे सांप छोड़ देते थे। सो आई फील कि ऐसे छोटे मोटे बट बहुत ही ज्यादा टैक्टफुल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक वॉर टैक्टिक्स हमें सिखाने चाहिए थे, ताकि हमारा अपने कल्चर पर प्राइड और बढ़ सके। मतलब खुद ही सोचो, अब हमारे हिस्ट्री बुक्स में अलेक्जेंडर और मुगल्स पर चैप्टर नहीं, चैप्टर्स हैं। लेकिन फिर चंद्रगुप्त मौर्य और लचित बोरफुकन जैसे लेजेंड्स के अचीवमेंट्स गायब क्यों? देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी बनाई जा रही है वो काफी ज्यादा पॉलीमैथिक एबिलिटीज और प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करती है। पॉलीमैथ यानी कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना। और देखा जाए तो गुरुकुल सिस्टम भी पॉलीमैथ एबिलिटीज पर ही फोकस करता था। उपनिषद में तो कहा भी गया सा विद्या या विमयुक्ते, मीन्स एजुकेशन इज दैट विच लिबरेट्स। गुरुकुल में तब के टाइम में वॉर टैक्टिक्स से लेकर लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स सिखाए जाते थे, जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। एंड गुरुकुल के इसी मॉडल पर हायर एजुकेशन के लिए तक्षशिला और नालंदा जैसे एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज भी थी। नालंदा लगभग 800 सालों तक एजुकेशन का एपिसेंटर था, जहाँ श्रीलंका, कोरिया, जापान और यहाँ तक कि टर्की से भी स्टूडेंट्स आते थे। इनफैक्ट डिड यू नो, गुरुकुल की एफिशिएंसी को देखकर ही ब्रिटिशर्स इनसिक्योर हो गए थे। ये बहुत ही कम नोन फैक्ट है कि 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपॉइंटेड विलियम एडम ने एक सर्वे रिलीज किया था। विलियम ने सिर्फ बंगाल और बिहार में सर्वे करके ये पाया कि केवल दो स्टेट्स में ही लगभग 1,00,000 गुरुकुल्स थी, जिसमें 20,00,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ऑल्सो हमें यूजुअली ऐसा बताया जाता है या फिर हमें ऐसा लगता है कि गुरुकुल्स में बहुत ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, या फिर सिर्फ ब्राह्मण्स के बेटे पढ़ सकते थे या फिर सिर्फ क्षत्रिय के बेटे पढ़ सकते थे। लेकिन विलियम ने यह भी बताया कि उन गुरुकुल्स में सभी स्टूडेंट्स एक साथ बैठते थे, मतलब वहां कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। ऑल्सो गुरुकुल्स बिलीव्ड इन प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि वो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ डेली लाइफ के डिसिप्लिन भी मे बी ट्रेनिंग लेते थे, जैसे कि कुकिंग हो गया, क्लोथ्स वॉशिंग हो गया, बेसिकली अपने पढ़ाई के साथ साथ घर के काम वगैरह करना, अपने डेली लाइफ डिसिप्लिन में भी वो लोग ट्रेनिंग लेते थे गुरुकुल्स में ही जाकर। देखो,
हिस्ट्री बुक्स में हमें जीरो पाए और ये सब के इन्वेंशनों के बारे में तो बताया गया, लेकिन कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है जो हमें नहीं बताए गए, जैसे कि हरप्पन सिविलाइजेशन में कील का डेवलपमेंट। कील इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मॉडर्न डे शिप्स को इस कील के बिना बैलेंस नहीं किया जा सकता है। इसी कील की हेल्प से हरप्पन ने आज से लगभग 4000 साल पहले सोफिस्टिकेटेड शिप्स बनाए थे, जिससे इंडस वैली के ट्रेड रिलेशंस मेसोपोटामिया तक फैले थे। इनफैक्ट मौर्यन एम्पायर में तो नेवल अफेयर्स के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही था, लेकिन आज तक हमें क्या बताया गया? पोर्चुगीज दुनिया के बेस्ट शिप बिल्डर्स थे और ब्रिटिशर्स बेस्ट ट्रेडर्स थे। ऑल्सो इंडियंस केवल शिप बिल्डर्स ही नहीं बल्कि प्रोमिनेंट स्वॉर्ड बिल्डर्स भी थे। आपको याद होगा क्रुसेड के टाइम क्रिश्चियन सोल्जर्स सबसे ज्यादा डरते थे मुस्लिम सोल्जर्स के स्पेशल स्वॉर्ड से। इस स्वॉर्ड के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इसके ब्लेड इतने शार्प होते थे कि ये सिल्क के कपड़े को भी हवा में ही कट कर सकता था। लेकिन इसके शार्पनेस के पीछे का कारण था डमास्कस स्टील। और ये डमास्कस स्टील एक्चुअली क्या था मालूम है? इंडियन वुड स्टील। हिस्ट्री में डमास्कस स्टील तो बहुत फेमस है, लेकिन उसके इंडियन ओरिजिन्स थे ये बात हार्डली किसी को मालूम है। एंड सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वो वुड स्टील को बनाने की टेक्निक आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विच आई फील इज अ ह्यूज लॉस टू आवर नेशन। ऑल्सो ताजमहल, कुतुब मीनार ऐसे बिल्डिंग्स की हर खूबी के बारे में हमें अच्छे से पता है, लेकिन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही स्थित मेहरौली स्तंभ या फिर आई पिलर के बारे में शायद ही कोई जानता है। ये स्तंभ 1700 साल से आंधी तूफान बारिश झेलने के बाद भी इस पर करोजन या फिर जंग आज तक नहीं लगी है। मॉडर्न साइंटिस्ट तो आज तक श्योर भी नहीं है कि ये पिलर किस मटेरियल का बना है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हमें इतने सारे चीजों के बारे में बताया गया जो हमारे कॉलोनाइजर्स या फिर इन्वेडर्स ने हमें बना के दिया है, उनके विक्ट्रीज या फिर इन जनरल उनकी हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया गया, लेकिन हमारे खुद के रूलर्स, हमारा खुद का रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में हमें कभी कोई चीजें क्यों नहीं बताई गई? डोंट समवेयर यू फील कि हमारे इंडियन रूट्स को भुलाने की एक कॉन्स्पिरसी थी? वेल यस, इसकी शुरुआत थॉमस मैकॉले ने 1835 में की थी। मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करके पुराने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया था। सब जानते हैं ब्रिटिशर्स को ऐसे भारतीय चाहिए थे जिनका खून तो इंडियन हो, जो दिखते इंडियन हो लेकिन उनका स्वाद इंग्लिश हो। सो ऑफ कोर्स 1835 और वो पूरा ब्रिटिश एयर, हमें तो समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हुई। बट सवाल ये है कि 1947 के बाद भी कोर्स करेक्शन की कोशिश क्यों नहीं की गई? तब तो हमारे भारत की खुद की सरकार थी ना, तो हम उनके सिलेबस को हटा देते, अपने खुद के रूट्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाते। वेल, इसके पीछे फॉर्मर CBI इंटरिम डायरेक्टर एम नागेश्वरा राव देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर को जिम्मेदार मानते हैं। राव के मुताबिक मौलाना आजाद ने जानबूझकर मुगल रूल और इन्वेजन को एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बताया और यही हिस्ट्री हम आज तक पढ़ रहे हैं। राव का तो ये तक कहना है कि मौलाना के एजुकेशन का नजरिया टर्किश आइडियाज से ज्यादा इंस्पायर्ड था। इफ राउज टू बी बिलीव्ड, एक ऐसे इंसान जो टर्की जैसे देश से इंस्पायर्ड है, वो एक सेक्युलर देश का एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बन सकता है? लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि मौलाना आजाद एजुकेशन मिनिस्टर बने कैसे, ये पूरी हिस्ट्री हमारी लेफ्ट लीनिंग हुई कैसे? सो इसकी शुरुआत हुई 1971 में इंदिरा गांधी के दोबारा PM बनने की वजह से। इंदिरा गांधी ने अपने सरकार को बचाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के साथ हाथ मिलाया था, जिसके कारण उन्हें नूरुल हसन को एजुकेशन मिनिस्टर बनाना पड़ा था। नूरुल एक हार्डकोर कम्युनिस्ट थे और उसके बाद में नूरुल ने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR एस्टैब्लिश किया था। आयरनी ये है कि देश में कोई भी हिस्ट्री रिसर्च और राइटिंग को पब्लिश करने के लिए ICHR ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने, फील्ड एक्सपर्ट्स की माने, तो सालों तक लेफ्ट स्कॉलर्स के अलावा दूसरे कोई भी आइडियोलॉजी वालों को ICHR का मेंबर तक बनने नहीं दिया जाता था। एंड इसीलिए यहां से ऐसे एक सिलेक्टेड हिस्ट्री राइटिंग का दौर चल पड़ा। मतलब आप बिपिन चंद्रा की ये बुक को ही ले लो, UPSC को क्लियर करने के लिए ये बुक काफी ज्यादा रेकमेंडेड है। इस बुक में टोटल 40 चैप्टर्स हैं नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन ऐसे सब चीजों से रिलेटेड, पर भगत सिंह जैसे आर्म्ड इंडियन रेवोल्यूशनरीज पर केवल 2 ही चैप्टर अवेलेबल है। ऑल्सो इस ही बुक में उन्हें टेररिस्ट का टैग लगाकर मेंशन किया गया है। इसके अलावा दूसरे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने 1857 रिवोल्ट को हमेशा सेपॉय म्यूटिनी ही मेंशन किया, लेकिन वीर सावरकर जी ने इसे फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा और इसी नाम से 1909 में उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी। सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे हमारे हिस्ट्री के चैप्टर्स को मैनिपुलेट किया गया, आधा इन्फॉर्मेशन से बताया गया। बट ऑफकोर्स इसका सोल्यूशन क्या है? हम इंडियंस को रियल हिस्ट्री कब से पढ़ाया जाएगा? वेल, 27 दिसंबर 2022 को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस करते हुए रियल हिस्ट्री लिखे जाने की बात की थी और देश भर के स्कॉलर से अपील किया कि वो ज्ञान यानी कि नॉलेज, प्रज्ञ यानी कि विजडम और ट्रूथ यानी कि सत्य के बेसिस पर ही अपने नए बुक्स को लिखे। लेकिन सिर्फ बुक्स ही नहीं, गवर्नमेंट तो एजुकेशन सिस्टम को भी रिवाम कर रही है, जिसमें सबसे फंडामेंटल चेंज तो ये है कि उन्होंने सालों से चले आ रहे 10+2 स्ट्रक्चर को ही 5+3+3+4 वाले स्ट्रक्चर से रिप्लेस करने वाले। सरकार ने बेसिकली NEP के ओवरऑल गोल्स को 3 मेजर माइलस्टोन्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है 2025 तक ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल लेवल तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दूसरा, 2030 तक पूरे देश में एक सिंगल एजुकेशन
पॉलिसी होगी। एंड फाइनली तीसरा माइलस्टोन है 2040 तक हमारे देश को दुनिया का एजुकेशन कैपिटल बनाना। लेकिन अफकोर्स ये सारी चीजों में काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलना अभी भी बाकी है, बट एज ईयर प्रोग्रेसेस हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। इस रियल हिस्ट्री मिशन के लिए बुक्स और एजुकेशन करिकुलम्स में काफी चेंजेस किए जा रहे हैं। CBSE ने औरंगजेब और शाहजहां से रिलेटेड चैप्टर्स, साथ ही कोल्ड वॉर, US हेजिमनी जैसे सेवरल चैप्टर्स रिमूव कर दिए। ऑल्सो कुछ चैप्टर्स ऐड भी किए जा रहे हैं, जैसे कि 12th की हिस्ट्री बुक्स में इंडिया थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स नाम का एक चैप्टर ऐड किया गया है। इस चैप्टर में अल बिरूनी और इब्न बतूता जैसे ट्रैवलर्स ने इंडिया को कैसे देखा इसकी बात की गई है, जिसमें अल बिरूनी इंडियन कल्चर और संस्कृति से कैसे प्रभावित रहे ये बताया गया। और ये भी बताया गया है कि इब्न बतूता ने कैसे इंडियन सिटीज की कलरफुल लाइफ को बहुत ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है। ऑल्सो BA में एक नया पेपर आइडिया ऑफ भारत ऐड किया गया है, जो BA स्टूडेंट्स को हमारे एंशियंट कल्चर और हेरिटेज के बारे में बताएगा। इन माय ओपिनियन BA में ऐसे कोई चैप्टर को ऐड करना इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स मोस्टली टीचर्स बनते हैं और ऐसे आइडिया ऑफ भारत नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने में वो हेल्प कर सकते हैं। ऑल्सो क्या आपको पता है कि ये नए एजुकेशन पॉलिसी का जो आइडिया है वो 1908 में ही अरविंदो घोष ने दिया था। उन्होंने कहा था कि नेशनल एजुकेशन वो होता है जो देश के स्टूडेंट्स में नेशनैलिटी और स्पिरिट पैदा कर सके, एंड उनके हिसाब से ये आपको सिर्फ आपके एंशियंट रूट से ही मिल पाएगा। बट ऑफकोर्स माई क्वेश्चन इज कि क्या पूरे इंडिया के माइंडसेट को चेंज करने के लिए बस 2-3 चैप्टर्स ही ऐड या माइनस करना काफी होगा? आपके हिसाब से हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में कौन से चैप्टर्स को ऐड करना चाहिए एंड कौन से हिस्ट्री को माइनस करना चाहिए, प्लीज आपके जो भी ओपिनियन है मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। इसी टॉपिक पर हमने एक डिटेल वीडियो पहले भी बना रखा है जिसमें और कई नए फैक्ट्स है, नए पर्सपेक्टिव्स है, तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लेफ्ट पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।